हैं और उसे लाइव एंड सब्सक्राइब भी करें। सभी धनवंतरी वालों से मेरी गुजारिश है कि उसे लाइव एंड मतलब उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो ये लाइव शुरुआत हो रही है, तो मैडम हमारे बीच में है। मैं चाहता हूँ कि मैडम को माइक देने से पहले तो सभी लोगों से चाहूँगा अपना माइक म्यूट ही रखेंगे, कोई स्क्रीन शेयर नहीं करेगा। ये पीपीटी के थ्रू आपको मैं स्क्रीन शेयर के थ्रू ये पूरी पूरी प्लान प्रेजेंटेशन होने वाली है। तो आज के बेहतरीन दिन के लिए, और उससे पहले मैं चाहूँगा सभी लोगों को जो यहाँ पे मौजूद हैं, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेहतरीन रहें, घर में सुरक्षित रहें और सभी नियमों का पालन करते हुए त्यौहार को सेलिब्रेट करें। आज एक बेहतरीन त्यौहार है, तो सभी लोगों को मेरी तरफ से इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार भरी शुभकामनाएं। तो मैं चाहूँगा अगर मैडम है बीच में हमारे, तो मैडम इस मीटिंग में इनवाइट है, मतलब तो मौजूद है ऑलरेडी। अपने आप को अनम्यूट कर ले मैडम। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरे सभी बहनें और भाइयों का मैं स्वागत करती हूँ हमारे धन्वंतरी के ब्यूटी सेशन में, जो आज हमारा सेकंड सेशन है। जो पहले हमारा इंटीमेट एरिया के बारे में हो गया था, और आज हम स्किन के बारे में समझ लेंगे। तो पहले मैं सबसे पहले अपने सभी मुस्लिम भाई बहनों का मैं ईद मुबारक करती हूँ सभी को, और पूरी धन्वंतरी के परिवार से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। एंड मोस्ट वेलकम एवरीवन, धन्वंतरी परिवार के सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप सबको ईद मुबारक करे, आपकी दुआएं कबूल करे, और मैं इसी रंजीत जी से अच्छे चाहूंगा दिन। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन मुझे दें, मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। थैंक यू मैडम, बोलिए आप। हाँ जी, और ये अच्छे दिन पे और बहुत बहुत ही बेहतरीन दिन पे आज हम एक हमारे सेकंड सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सभी का मैं वापस स्वागत करती हूँ, और ये जो सेशन है हमारा ब्यूटी का स्किन सेशन, जिसमें हम ओनली ब्यूटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने 3 सेशंस में किया हुआ है। पहला है जो इंटीमेट एरिया, जो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। सेकेंड जो है हमारा स्किन का है, जिसमें हम ब्यूटी के लिए कौन से प्रोडक्ट्स हमारे धन्वंतरी ने लाए हैं, क्यों लाए हैं और किस लिए लाए हैं और कैसे इस्तेमाल करना है वो आप जानेंगे। और उसके बाद हम जो कुछ अगले हफ्ते या जैसे हमारी कंपनी दिन अवेलेबल कर देगी, उस दिन हम हेयर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सभी को बहुत कंफ्यूज हो जाता है, और इसीलिए हमने सोचा कि ये छोटे छोटे सेशंस में हम आपके लिए प्रेजेंट करें। क्योंकि अभी देखिए मार्केट में इतना कंपटीशन चल रहा है प्रोडक्ट्स के लिए, और ये प्रोडक्ट्स ब्यूटी के होते हैं, तो भाई ब्यूटी आजकल तो सभी के लिए बहुत जरूरी है खुद को प्रेजेंट करने के लिए। ये हर जगह पे कहीं भी जाओ, आपको खुद को अच्छे से प्रेजेंट करने आना चाहिए, और प्रेजेंट करने के लिए पहले अपने आप को खूबसूरत रखना है, अच्छे से रखना है, और वो अच्छा दिखने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। तो ऐसे टाइम पे आप कौन सा यूज करें, क्यों यूज करें, तो ये पूरा कंफ्यूजन दिमाग में होता है, क्योंकि हम एक दूसरे का देख के जो लाते हैं तो शायद किसी को वो सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता है, फिर उनको एलर्जी आती है। तो यही हम पहला समझ लेंगे। ओके, पहले जानते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्या है। जो सौंदर्य प्रसाधन जो है आजकल मॉडर्न साइंस के हिसाब से आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को टाइम नहीं है अभी, दे डोंट वांट टू वेट कि भाई अभी पैसा फेंको और मुझे अभी के अभी जवान कर दो, अभी के अभी खूबसूरत कर दो, ये होता है। और उसी में मार्केट में मैक्सिमम प्रोडक्ट सब जो आते हैं ये कौन से हैं, केमिकल के हैं, क्योंकि उसमें मॉडर्न साइंस के हिसाब से जितने भी आए हैं वो गोरेपन के क्रीम्स होते हैं, लोगों को गोरा बनने के लिए बहुत अतुर होते हैं, लेकिन वो भी क्या है क्या नहीं होता मैं सब अच्छे से समझाऊंगी। जो ये कंफ्यूजन होता है, या जो जितने सारे नए नए ट्रीटमेंट्स आए हैं कि लेजर है, माइक्रो डर्मावर्शन है, पीलिंग ट्रीटमेंट होती है, लेजर ट्रीटमेंट क्यों क्या क्यों क्यों करते हैं, जैसे बोटेक्स फिलर भी होता है कि आपके रिंकल्स जाए, आपके पिगमेंटेशन जाए, ऐसे सबके लिए ट्रीटमेंट्स होती है मॉडर्न साइंस। उसका खर्चा भी बहुत होता है, और आपको सभी को ये कर नहीं सकते, और एक बात होती है उसमें कि ये कुछ महीनों के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं।
क्योंकि जितना आप फास्ट और मॉडर्न साइंस के हिसाब से आप फास्ट जाओगे उतना ही जल्दी आप नीचे आते हो, क्योंकि उसी की वजह से आपका बाद में स्किन खराब होता है। मैं 25 साल, अभी 26 साल हो रहे हैं मैं ये प्रोफेशन में हूँ, एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट स्किन ट्रीटमेंट देती हूँ ब्यूटी के लिए, हेयर के लिए, और मैं सभी ट्रीटमेंट सीखी हूँ। लेकिन मेरा उसी में ज्यादा चलता है कि भाई मैं आयुर्वेद से कैसे ज्यादा सबको ठीक करूँ, क्योंकि वो आपको कभी कोई हार्म नहीं करता है। आप जितना नए नए तरीके से नए नए प्रोडक्ट्स को लेके आप यूज करने के लिए कोशिश करेंगे, उतना आपका स्किन डैमेज होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा करके लीड एंड मर्क्यूरी यूज किया जाता है, या फिर कोई हार्मफुल केमिकल्स होते हैं कि जो आपके स्किन को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब ये सारे आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए जब आप धन्वंतरी के साथ है। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि धन्वंतरी में हमारे सर लोगों ने इतने बढ़िया से प्रोडक्ट लाए हैं कि आपको बस इतना ही जानना है कि कौन से प्रॉब्लम स्किन के लिए हमने कौन सा प्रोडक्ट देना है। उससे पहले आप खुद को लगाना सीखिए। आप जब खुद लगाएंगे तभी आप दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। अब तो आपने देखा कि प्रोडक्ट कैसे है क्या है, तो अभी चलिए जानते हैं कि भाई हमारी जो स्किन पे लगाने जो ट्रीटमेंट करने हैं हमें प्रोडक्ट्स, तो वो स्किन क्या है पहले वो जानिए, क्योंकि जब तक आप खुद की भी त्वचा नहीं समझेंगे ठीक से तो आप कैसे करोगे दूसरों को रिकमेंड, या खुद भी कैसे चूज करेंगे अपने आप के लिए, और अपने ब्यूटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, अपने चेहरे पे क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्यों आती है, ये भी एक छोटा सा मैं 10-15 मिनट में आप लोगों को समझाऊंगी, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। कितना भी मैं सोचूं कि मैं नहीं बताऊं, ये टाइम सेव करूं, लेकिन मेरी जो सिखाने के इतने एक्सपीरियंस में से मैं बताऊंगी कि पापा ये बहुत जरूरी है पहले जानना, एबीसीडी तक जानना जरूरी है। तो चलिए अभी हम पहले जानते हैं हमारी पीपीटी की तरफ से कि भाई हमारी ये ब्यूटी प्रोडक्ट क्या है। और उससे पहले हम स्किन का सेशन शुरू करेंगे। ओके, तो जो स्किन में हम बताने वाले हैं आपको, त्वचा क्या होती है, जो त्वचा होती है हमारी पूरी बॉडी पे होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि भाई सब खाने के शौकीन होते हैं, जैसे अगर आप बचाटी वड़ा ले लो या समोसा ले लो, उसके अंदर का जो अंदर रहता है मसाला और ऊपर से उसको कवरिंग होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, वैसे ही हमारे अंदर के अवयवों को संभाल के रखने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एक स्किन का प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो हमारे सर से पांव तक पूरा कवर्ड रहती है हमारी बॉडी। हमारी पीपीटी में आप देखोगे कि मैंने एक फोटो दिखाया हुआ है कि आधे शरीर में स्किन दिखाई है, आधे में पूरी आपकी अंदर की बॉडी दिखाई हुई है। ये क्या करता है स्किन, वो आपके पूरे अंदर के ऑर्गन्स को संभाल के रख, बिल्कुल कोई इंफेक्शन नहीं होने देता है। उसके साथ साथ ये स्किन क्या करती है, पूरी आपकी ब्यूटी को संभाले रखती है। और ये स्किन जो होती है उसमें क्या क्या होते हैं, उसके वो लेयर्स में क्या होती है, ये कैसे बनी होती है, वो अभी मैं समझाती हूँ। अब देखिए आधी बॉडी में स्किन आपको पार्ट में दिखाई देगी स्किन है, और आधे में आपको इनर बॉडी दिखाई दे रही है। अब ये हमारा एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन होता है, प्रोटेक्टिव लेयर है बॉडी पे, ये कुछ लेयर से बना होता है, ये वो उसको कहते हैं डर्मिस एंड एपिडर्मिस। में इतना ज्यादा डीप एनाटॉमी नहीं बताऊंगी, एक छोटा छोटा मैं शॉर्टकट्स में बताऊंगी आपको कि भाई हमारी त्वचा के अंदर उसमें हेयर फॉलिकल्स होते हैं, तेल ग्रंथियां होती है, पसीने वाली ग्रंथियां होती है, और उसमें पानी शो पकड़ के रखने वाली क्षमता होती है, उसको एक स्पॉन्जी लेयर कहते हैं जिसमें पानी भरा रहता है। उसके अंदर ही हम कहेंगे एक लेयर होता है कि जिसमें मेलानिन होते हैं। मेलानिन मतलब क्या, जो स्किन को पिगमेंट्स देते, कलर देते हैं। ओके, ये जो है, और उसी के साथ सेंसरी नर्व्स होती है, और उसमें जो त्वचा को सेंसेशन देती है, ठंडा गर्म है, कुछ चुभा है, नरम है, ऐसे हर एक अनेक प्रकार के उसमें सेंसेशंस के वो नर्व्स एंडिंग्स होते हैं कि जो आपको सेंसेशन देते हैं कि आपको कुछ भी अगर लगा तो झट से आपको समझ आता है। अब ये सारे जो
इनके अंदर होते हैं, अभी इनका कार्य क्या है, कैसे है, उसमें क्या बिगाड़ होने से आपको क्या ब्यूटी प्रॉब्लम्स आते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो स्किन के जो आगे का हम इसमें देखेंगे, स्लाइड में देखेंगे, उसमें आपको कलर दिखाई देते हैं। जो मैंने कहा हमारे स्किन के अंदर एक मेलानिन का लेयर होता है जो स्किन को कलर देता है। जैसे जितने वो मेलानिन यानी जितने वो पिगमेंट्स ज्यादा होंगे उतना वो स्किन डार्कर होगा, और जितना वो लाइटर होगा, कम होंगे पिगमेंट्स, वो कलर गोरा रहता है। अब ये रंग त्वचा में कैसे मिलते हैं, एक तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे जीन्स। जैसे हमारे परिवार से हमें माँ बाप से वो जो कलर मिलता है, पिगमेंट्स मिलते हैं, वो अनुवंशिक होते हैं। दूसरा होता है कि हमारी क्लाइमेट की वजह से हो जाता है। सर दूसरी स्लाइड लेंगे प्लीज। यस, अब आप इसमें देखेंगे कितने सारे शेड्स होते हैं, लेकिन लोगों को क्या है कि भाई गोरापन गोरापन बहुत दिमाग में भरा रहता है कि गोरापन ही अच्छा होता है, लेकिन नहीं। आप सब एक छोटी सी चीज जान के रखिए और बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरी दुनिया में हमारी भारत का, हमारी एशिया का रंग बहुत सुंदर जाना जाता है, जो हमारी बहुत ही बहुत सुंदर शेड्स हमारी भारत में है, और ये शेड्स पाने के लिए बाकी के लोग पाने के लिए, और इतना सुंदर रंग हमारे पास है, लेकिन वो लोग हमें ऐसा नीचा दिखाने के लिए ऐसा बोलेंगे कि बाबा नहीं, ये काला रंग है, काले रोग है, ये अच्छा नहीं है, गोरा ही अच्छा होता है, और देन हम लोग अपने आप को बिल्कुल ऐसा नीचा दर्जे का समझने लगते हैं। ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन भाई वो तो भूंगा दिमाग में छोड़ गए है, लड़के चाहिए तो गोरी चाहिए, क्यों भाई क्यों, लेकिन अगर वो स्वभाव से सुंदर है, अच्छी है, तो क्यों सांवला कलर क्यों सुंदर नहीं, बहुत बेहतर है। हमारे भारत के सभी जो लोग हैं उनके फोटो बहुत सुंदर आते हैं बिना मेकअप के। अब देखते हैं कि आगे की स्लाइड में कि ये जो अभी रंग हो गया, अभी उसके बाद में जानते हैं कि त्वचा के प्रकार कितने होते हैं। त्वचा के तीन प्रकार होते हैं, एक तो होती है नॉर्मल स्किन, दूसरी होती है ड्राई स्किन, और तीसरी होती है ऑयली स्किन। अब ये जो तीनों स्किन्स होती है, इन तीनों के स्किन सर दूसरी स्लाइड लेंगे प्लीज। सर दूसरी स्लाइड, ये जो दूसरी फोटो आप देखेंगे दूसरी स्लाइड में, इसमें तीन प्रकार के हैं फोटो। पहले में आपको दिखाई देगा नॉर्मल स्किन, जिसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, इसमें कोई आपको कोई खराबी नजर नहीं आएगी। अब ये कैसी होती है, जिनकी आहार अच्छा है, जिनका पानी का पीना अच्छा बैलेंस रखा हुआ होता है, जो नींद ठीक से लेते, एक्सरसाइज करते हैं, वो लोगों की स्किन नॉर्मल होती है। ओके, और अगर हम जन्म से देखेंगे तो नेचुरल से लेके आपकी ये स्किन 12 साल की उम्र तक आपको ये मिलती है। अगर यही आपने वो टीन एज में भी अगर उसको अच्छे से आहार विहार एक्सरसाइज सब से आप अच्छे से रखते हो, तो ये आपके काफी उम्र 40 तक भी जा सकती है या 50 तक भी जा सकती है। ओके, अब टीन एज में जो आती है वो ऑयली स्किन होती है, जैसे 14-15 साल से शुरू हो जाती है, जो आपको सेकंड इसमें देखेंगे आप फोटो में कि आधा चेहरा तेला दिखा हुआ है आप लोगों को, ताकि वो समझे दोनों में फर्क क्या होता है। तो जो ऑयली त्वचा होती है उसमें बहुत चिपचिपाहट होता है, चिकनाहट होती है, एक पास पिंपल्स आ जाते हैं, है ना। फिर वो रंग कौन सा भी हो, मैं हमेशा बोलूंगी कि ये तीनों टाइप में कौन सा भी स्किन हो और उसमें कौन से भी प्रकार का रंग भी हो सकता है, कौन से भी शेड्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो जानना जरूरी है कि भाई टाइप क्या है। ओके, तो तैली त्वचा में क्या क्या होता है कि वो चिपचिपाहट होती है, चिकनी होती है, और उसमें पसीना भी बहुत रहता है। और तीसरे फोटो में आप देखेंगे कि वो वहां की त्वचा बिल्कुल ड्राई दिखाई दे रही है, रूखी सूखी दिखाई, जैसे जैसे जमीन को अगर आप गर्मी के दिनों में
बिल्कुल पानी नहीं मिलता, तो कैसी तेज दिखती है, रफ दिखती है, पिगमेंट्स यानी थोड़ी थोड़ी सी ऐसी दाग धब्बे दिखाई देते हैं, निस्तेज दिखती है, झुर्रियां वाली दिखती है, कटी हुई दिखती है। अब ये त्वचा को दोनों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब क्यों होते हैं ये थोड़ा समझ लीजिए। अब जैसे अगर ऑयली स्किन है और उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज किए, साफ सफाई ठीक से नहीं रखी, तो क्या हो जाएंगे, उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाएंगे। खाना पीना अच्छा नहीं रखा, नींद अच्छी नहीं रखी, देर रात तक जागते रहे, सुबह सोएंगे उनमें फिर डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, खाना ठीक से नहीं खाते हैं, पानी ठीक से नहीं पीते हैं, तो क्या होगा, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक काम नहीं करेगा, और फिर ये पूरा प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, स्किन पे, फेस पे आएगा। क्यों, ये भी जानिए अभी, क्योंकि हमारी त्वचा का पोषण खून से होता है। जो हम खाएंगे वो खाने से आपके खून बनेगा, और वो खून से हमारी त्वचा का और शरीर का पोषण होता है। इसीलिए कौन सा भी हो, त्वचा कैसी भी हो, आपने आपका रूटीन अच्छा रखना है। उसमें आपने क्या करना है, पहली चीज अच्छा डाइट रखना है, पानी अच्छा पीना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छी नींद लेनी है, और अच्छे सोच रखनी है। ये अगर पांच चीजें आप अच्छे से रखते हो तभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। नहीं फॉलो करेंगे, नहीं खाना अच्छे से खाएंगे तो क्या होगा, देखिए अभी ये स्लाइड से आपको दिख रहे, चेहरे पे पिंपल्स आ गई है, फिर दूसरे स्लाइड में आप ड्राई स्किन पे देखेंगे काले धब्बे आ गए हैं, पिगमेंटेशन हो गया है, रूप की सूखी हो गई, ड्राई हो गई है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इस वजह से हो जाते हैं। अभी आपकी स्किन को अच्छा रखना है, या अगर ऐसे दोनों टाइप की स्किन हो गई है या आपके क्लाइंट की है, तो उनको हमारे धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स आप क्या समझाएंगे और कैसे देंगे, कैसे रेकमेंड करेंगे, वो हम जानते हैं अभी हम अगले इसमें स्लाइड में। तो पहले हम बताते हैं कि भाई धन्वंतरी ही क्यों, धन्वंतरी इसलिए है बाबा कि उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं। हमारा प्रमोशन यही है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आपके पास पहुंचे, जो आपको कोई हार्म ना करे, आपको ज्यादा से ज्यादा सुंदरता दे, ज्यादा से ज्यादा आरोग्य दे। मैंने अभी आपको बताया था कि आपका बैलेंस कैसे होना चाहिए आपकी सेहत के लिए, तो ये बैलेंस डाइट अच्छा होना चाहिए कि देखिए आपके हर चीज का फल सब्जियां वगैरह सब आपकी आहार में होने चाहिए। सर नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें आपको पानी भी अच्छे से रखना चाहिए, पानी की मात्रा आपके शरीर में अच्छी होनी चाहिए, जो आपने थोड़े थोड़े इंटरवल्स में भी पानी पीते रहना चाहिए, ताकि आपकी स्किन में भी पानी की मात्रा अच्छी रहे, मॉइस्चर अच्छा ना क्रिएट करे, आपकी डाइजेशन अच्छी रहे। नेक्स्ट स्लाइड सर, देखिए नींद भी बहुत जरूरी है। अगर आप ठीक से नींद नहीं लेते हैं तो क्या होगा, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, फिजिकल स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी सुंदरता में क्या होगे, दाग आएंगे, वो कैसे, तो आपका दिमाग ठीक से नहीं चलेगा, आंखों के पास काले सर्कल आएंगे, मेंटल ड्राउजीनेस, थकावट, बिल्कुल ऐसे डल डल फील हो जाएगा। इसलिए आपको दिन एटलीस्ट 24 घंटे में से 8 से 6 घंटा नींद बहुत जरूरी है। जैसे आप बैटरी रिचार्ज करते हो वैसे हमारी बॉडी के सेल्स रिचार्ज करने के लिए नींद भी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो अच्छे से कार्यरत रहे, जो हम खाना खाते हैं वो अच्छे से उसका डाइजेशन हो जाए, और वो जो उसमें से बनने वाला खून है वो साफ सुथरा रहे, और जो है पूरा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम से टॉक्सिन्स बाहर निकले। ये हमारी प्रकृति अच्छी रखने के लिए हमारी ये जो है ये पांच चीजें हमें फॉलो करनी है। अच्छे लोगों के साथ हमें अपना सोच बदलना है, जो ये काम हमारी धन्वंतरी में होता है। हमारी धन्वंतरी क्या करती है, आपको पॉजिटिविटी देती है, हमेशा आपको एनर्जेटिक रखती है, आपको हमेशा अच्छे सोच वाले लोगों के साथ आपको रखती है, ताकि आपको कभी जिंदगी मायूसी ना रहे। अगर आप बीमार है तो आपको अच्छे से अच्छी गाइडेंस करके, आपको अच्छे से सप्लीमेंट्स राइट तरीके से आपको देके आपको सेहतमंद करती है।
वैसे ही हमारी कॉस्मेटिक्स भी उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया से चुन चुन के लाए हैं कि जिससे आपको कोई हानि ना पहुंचे। पहली चीज है कि हमारी प्रोडक्ट्स में कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। धन्वंतरी की कोई भी प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। दूसरी बात है कि जो हमारे फेस वॉश सोप है, जो पूरे जो है वो हार्मफुल केमिकल्स फ्री के साथ वो सोप फ्री होते हैं। नेचुरल पूरा उसका जो आयुर्वेदिक फॉर्मूला है उससे बने हुए होते हैं। तो एक एक चीज में अभी आपको एक एक अच्छे से समझाऊंगी कि जो सर आप प्रोडक्ट की पीपीटी लगाएंगे प्लीज हमारी स्किन की प्रोडक्ट की, जिसमें हम बताएंगे आपको सोप और फेस वॉशेस है। तो पहले हम जानते हैं फेस वॉश, जो हमारी कंपनी ने हमारे दो फेस वॉश बढ़िया से बढ़िया फेस वॉश लाए, जो हमारी पूरी आयुर्वेद फॉर्मूला जो हमारे घर में भी कभी कभी हम लोग जानते हैं बनाते हैं वो फॉर्मूला से लाए हैं। लेकिन अभी सभी को तो टाइम नहीं होता है, कहाँ कहाँ वो जड़ी बूटियां मिलेगी भी नहीं, किसी को टाइम भी नहीं होता है। तो इसलिए आपको ये लाया हुआ है बेहतरीन प्रोडक्ट, जो पहला मैं बताऊंगी इट्स एन हार्मफुल केमिकल फ्री एंड सोप फ्री। अब ये नीम फेस वॉश क्या काम करता है और रोज फेस वॉश क्या काम करता है और किन के लिए है, तो पहले मैं बताती हूँ आपको रोज फेस वॉश जो हमें ड्राई स्किन के लिए हमने सजेस्ट किया हुआ है। ड्राई स्किन मतलब रूखी त्वचा, उसमें पानी की मात्रा कम होती है। हमने रेकमेंड करना है रोज हनी फेस वॉश जो ऑर्गेनिक गुलाब से बना हुआ है, उसके साथ उसमें एलोवेरा जूस है, रोज वाटर है, ऑर्गेनिक कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट ग्लिसरिन हनी से बना हुआ है, जो आपकी स्किन का मॉइस्चर बैलेंस रखता है, त्वचा आपको सॉफ्टली क्लीन डीप क्लीन करता है, उसके साथ साथ आपके रंग को निखारता है और त्वचा के मॉइस्चर का बैलेंस संभालेगा, हाइड्रेट रखने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए काफी बार आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो चेहरा धोने के लिए, उसके धोने के बाद आपको पता चलेगा चेहरा खिंचा खिंचा होता है, ड्राई पीएच त्वचा का, तो ये हमारा पीएच भी मेंटेन रखता है। तो ये हम रेकमेंड करेंगे नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए। लगाने का तरीका क्या है बाबा, देख जानिए कि भाई पहला अपने चेहरे को पानी से गीला कर लीजिए, फिर हाथ पे एक दो ड्रॉप बहुत हो गया, ये हमारे प्रोडक्ट बहुत कम लगते हैं। इसको आपने लेके दोनों हाथ से करके अपने पूरे चेहरे पे राउंड राउंड स्ट्रोक से लगाना है, जिसे आपने 25 से 30 सेकंड, मैं बोल रही हूँ सेकंड है तो किसी को मिनट सुनता है, तो मैं कह रही हूँ सेकंड के लिए आपने मॉलिश करना है अच्छे से, ताकि वो झाग से या वो जो हमारे जो फेस वॉश का है उससे पूरा धूल मिट्टी गंदगी पूरा वॉश आउट हो जाए। फिर आपने पानी से धो देना है और फिर तौलिए से चेहरा पैक करना है। ये आपका आप जानेंगे पहले का और ये आफ्टर प्रोडक्ट लगाने का फोटो निकाल के रखना और देखना कितना स्किन में डिफरेंस पता चलेगा, आप खुद को खुद पता चलेगा। और इसका तो एरोमा आपको बिल्कुल रिफ्रेश कर देता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक गुलाब से है, बिल्कुल हमारा प्योर ऑर्गेनिक गुलाब से बना हुआ है। तो ये जो है रिकमेंडेशन इज फॉर ड्राई स्किन। अब हम आते हैं हमारा दूसरा जो फेस वॉश है, दैट इज नीम फेस वॉश। नीम फेस वॉश क्या करेगा, ये हमारी ऑयली त्वचा से तेल चिपचिपाहट गंदगी को निकालेगा। ये नीम फेस वॉश जो है ये मेनली हम रेकमेंड करेंगे तेली त्वचा के लिए, क्योंकि उसमें ज्यादा ऑयल रहता है, क्योंकि अभी टीन एज में ये त्वचा ज्यादा दिखाई दिखती है। तो ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे लोगों के लिए नीम फेस वॉश लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो त्वचा से क्या करेगा, अतिरिक्त तेल निकालेगा, अतिरिक्त चिपचिपाहट निकालेगा, जो पसीने से चिपचिपाहट और उसमें हो जाती है, चेहरे पे कालापन आता है क्योंकि धूल मिट्टी जल्दी चिपक जाती है ऐसे त्वचा पे, उसको भी क्लीन करेगा। उसके साथ साथ अगर कोई आपको पिंपल्स हुए हैं, रैशेस आ गए हैं, तो उसको भी क्लीन करेगा, दाग धब्बा दूर करने के लिए भी हेल्प करता है। अब इसका जो फॉर्मूला है दैट इज द बेस्ट फॉर्मूला, जिसमें यूज किया गया है कि नीम एंड टर्मरिक, उसमें नीम एक्सट्रैक्ट है, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है रूट्स के,
उसके साथ तुलसी मंजिस्टा एंड लेमन एसेंस ऑयल यूज किया गया है कि जो आपके त्वचा के रंग को निखारेगा, वो कालापन दूर करेगा, उसका रंग निखारेगा, उसके साथ साथ वो एंटी बैक्टीरियल जैसा काम करेगा, आपसे आपके चेहरे के पे जो स्किन पे इंफेक्शन हुआ है वो इंफेक्शन को भी दूर करेगा और पूरे फुंसियां ठीक करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये जो नीम फेस वॉश है इसको भी लगाने का तरीका सेम है, लेकिन हम रेकमेंड करेंगे दिन में 3 बार तो भी ऐसी त्वचा में लगाना जरूरी है, क्योंकि जो नहाते समय, दोपहर को और रात को घर आने के बाद या सोने से पहले आपने इसको लगाना है ताकि वो स्किन अच्छी साफ। ये तीनों ने नहीं लगाना है, ये ड्राई स्किन में और नॉर्मल स्किन में नहीं लगाना है। क्यों? ऑलरेडी उनमें तेल का काम कम होता है, पानी की मात्रा कम होती है, और ऐसे में अगर ये आप प्रोडक्ट लगाते हो नीम वाला तो क्या करेगा, वो अतिरिक्त जो तेल है नहीं है उसको भी निकालेगा, फिर और ड्राई होगी। इसीलिए इट्स रिकमेंडेड ओनली फॉर ऑयली स्किन, बाकी ये नहीं लगाना है। हाँ, अगर आप कोई कॉम्बिनेशन स्किन वाला है जिनमें कहीं कहीं टी जोन में या चीक जोन में हो उनका अगर चिपचिपाहट होता है या कहीं ड्राई होती है, पैची होती है, ऐसे वालों ने उसको लगाने के लिए चलेगा, लेकिन नॉट रिकमेंडेड फॉर ड्राई स्किन। ओके, अब हम आते हैं हमारे सोप के पास, जो हमारी त्वचा को साफ रखने के लिए हमारे धन्वंतरी ने 3 प्रकार के सोप लाए हुए हैं। जो सोप क्या काम करेगा, वो भी हार्मफुल केमिकल्स भी है, उसमें आपको कोई कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा उसमें नहीं है, जिससे आपकी त्वचा का पीएच बैलेंस बिगड़ेगा। ये बहुत ही अच्छे जड़ी बूटियों से बनाया हुआ है जो कि आपको एरोमा फील देता है, एरोमा का गुणधर्म देता है, जो ग्रीन कलर का है। दूसरा जो है एक बेसन वाला है जो ऑयली त्वचा के लिए रेकमेंड किया जाएगा, और जो एक होता है चारकोल वाला जो आपके बॉडी पे कहेंगे धूल मिट्टी, पोल्यूशन, फ्री रेडिकल, जो भी पूरा गंदगी बैठा हुआ है। बच्चे आजकल धूल मिट्टी में खेलते हैं, किसी किसी लोगों का कंस्ट्रक्शन साइट में भी काम रहता है ऐसे लोगों में, या फिर रंग का काम करते, घर में पेंटिंग का काम करते हैं जो लोगों के ऐसे प्रोफेशन में, अगर ये लोग ये चारकोल सोप से नहाएंगे शाम को तो ये उनको बहुत अच्छा इफेक्ट आता है स्किन पे, क्योंकि वो पोर्स के अंदर जो भी बैठ जाता है वो पूरा अच्छे से साफ कर देता है, डीप क्लीन करता है, क्योंकि वो चारकोल है। चारकोल के आजकल तो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं बहुत क्रेज है, इसीलिए हमारी आप लोगों की डिमांड देख के सर ने हमारा ये भी अच्छे से डिजाइन करके लाया हुआ प्रोडक्ट है। उसके साथ चौथा सोप एक है कि दैट इज द स्ट्रॉबेरी सोप। ये क्या काम करेगा, ये स्क्रब जैसा काम करता है, जैसे हमारी मैंने पहले ही कहा था मृत त्वचा जो हमारी स्किन पे पहला पहला लेयर होता है, जो हम कहेंगे 15 से 40 परत का लेयर होता है, जो डेड सेल्स हमेशा निकलते रहता होता है, अगर वो नहीं निकलेगा तो क्या होगा, हमारी त्वचा निस्तेज दिखाई देगी, बिल्कुल खराब दिखाई देगी, अगर वो चीज साफ नहीं होगी तो उसमें इंफेक्शन भी हो जाएंगे। तो ये हमारी स्किन का डेड सेल साफ करना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए हमें पहले जमाने में क्या यूज करते थे, उबटन, जो हमारे डेड सेल्स को साफ करता था, उसके साथ साथ त्वचा का अच्छे से मॉलिश होता था, जिसके अंदर स्किन के अंदर जो ब्लड वेसल से रक्त वाहिनियां है और उसके साथ साथ जो ग्रंथियां है उसका एक्टिवेशन अच्छा रहे और जो टॉक्सिन है वो निकल जाए और हमारा खून भी साफ रहे और स्किन का पोषण अच्छा रहे। ये काम होता है उपटन का, वही उपटन का काम हमारा स्क्रब करेगा, जो हमारे 2 प्रोडक्ट्स में आया हुआ, एक सोप में है और एक क्रीम में है। ओके, तो ये स्क्रब का क्या काम रहेगा कि आपका डेड सेल्स को हटाएगा और आपकी त्वचा को साफ करेगा और अच्छे से ब्रीथ करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये हो गया हमारा स्क्रब का सोप। उसको हम कब यूज करना है, उसको आप हफ्ते में 3 बार यूज करो, और जो ट्यूब में आता है जो स्ट्रॉबेरी स्क्रब जो है उसको, जो ट्यूब में आता है उसको आप कब यूज करेंगे, वो हफ्ते में 1 बार ही यूज करेंगे, क्योंकि उसमें आपको एप्रिकॉट के दाने रखे हुए हैं कि जो आपके स्किन के डेड सेल्स को हटाएगा। अब सोप अलग है, देखिए सोप अलग है
और थोड़ा सा क्रीम अलग में जाता है। जब आप त्वचा पे उसको रुखी सुखी त्वचा पे बिना पानी मारे उसको डायरेक्टली अगर लगाते हैं वो स्क्रब को, स्ट्रॉबेरी स्क्रब को, वो क्या करेगा, इसमें जो एप्रिकॉट के दाने हैं वो आपकी छील डालेंगे स्किन को, त्वचा को। इसीलिए उसको लगाने का तरीका मैं समझाती हूँ कि पहले त्वचा को पानी से गीला करो, या गीला करने के बाद पूरी बॉडी को भी आप लगा सकते हो, उसको साबुन लगा के रखो और या फिर गीला करो, उसके बाद आपने थोड़ा सा लेके उसको राउंड राउंड स्ट्रोक में उसको लगाना है। चेहरे को भी आपने कैसे लगाना है, बिल्कुल राउंड राउंड स्ट्रोक में हल्के हाथ से लगाना है, क्योंकि ये आपके डेड सेल्स को हटाएगा और अच्छे से स्किन को साफ करेगा। इसको कितनी देर तक लगाना है भाई, चेहरे पे घसते रहना है तो 25 सेकंड 30 सेकंड तक आप उसको साफ करो अच्छे से, और फिर अच्छे से पानी से धो डालो। वही अपने बॉडी के लिए भी अगर यूज कर रहे हो तो 10 से 15 मिनट तो आराम से लगेगा, क्योंकि हमारे बॉडी के पार्ट ज्यादा है, हाथ है, पांव है, पीठ है, पेट है, सभी जगह पे आप अच्छे से लगा सकते हो। लेकिन मैं वही समझाती हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से लगाना है और स्किन को गीला करके ही लगाना है, ड्राई नहीं रखना है। अब ये फॉर्मूला इसमें क्या क्या है, तो एलोवेरा जूस है जो आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा, लेकिन एप्रिकॉट जो है वो अच्छे से डेड सेल्स को साफ करेगा। पीच क्या करेगा, स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए हेल्प करेगा। उसके साथ साथ ऑलिव ऑयल एंड एसेंशियल ग्रेप सीड ऑयल है, उसके साथ ऑरेंज फ्रूट का भी ऑयल है, जो क्या करता है वो आपके स्किन का अच्छे से नरिशमेंट करेगा और उसको हाइड्रेट रखने के लिए हेल्प करेगा और सॉफ्टनिंग करेगा और ग्लो देगा। तो ये रेकमेंडेड है हफ्ते में एक बार। ओके, अब जिन्होंने नहीं लगाना है ये पहला समझ लीजिए, जिनकी त्वचा पे पिंपल्स है, रैश आई हुई है, घमोलियां हुई है, या जल गया है, सन बर्न हुआ है, या जख्म हुआ है, जला हुआ है, कटा हुआ है, ऑपरेशन का है नया स्किन, ऐसे जगह पे आप इसको नहीं लगाएंगे। ये प्रॉब्लम्स पूरे ठीक होने के बाद लगाएंगे, नहीं तो क्या होता है जनरली, आज पार्टी में जाना है, मुझे पिंपल्स है, मैं पहले फटाफट उसको अच्छे से घस देती हूँ फिर मेरा ठीक हो जाएगा, तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। वो पूरी स्क्रैच हो जाएगी, जल जाएगी, स्क्रैच हो जाएगी, पसली पिंपल्स फट जाएंगे और वो ज्यादा इंफेक्शन फैलेगा। तो ये जानना कि भाई इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, तो संभाल के लगाइए और अच्छे से लगाइए, सही तरीके से लगाएंगे, सही जानकारी लेके आप लगाते हो, सजेस्ट करती हो, रेकमेंड करती हो, तो ये सही आपको इफेक्ट देता है और बेहतरीन इफेक्ट देता है, क्योंकि इसमें कोई, मैं पहले ही बताती हूँ, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, इसलिए कोई रैशेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैंने जो बताई गई इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करेंगे तो ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रोडक्ट जो है, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जो हम क्रीम लेंगे। ओके सर, आपने फेस पैक लगा हुआ है, अभी देखिए ये जो सुवर्ण रिच फेस पैक जो है, इसका काम क्या है भाई, आप जब ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन से भी यूज करते हो तो फेस वॉश क्लीनिंग के लिए जरूरी होता है, नरिशमेंट के लिए क्रीम जरूरी होते, वैसे ही ब्यूटी में आजकल सभी को इंस्टेंट ब्यूटी चाहिए और सब क्या डिमांड करते हैं, फेस पैक की। भाई एक फेस पैक हमें ऐसा मिल जाए जिसमें आपको टैनिंग निकले, पिंपल ठीक हो जाए, गोरा बना दे, सब सब प्रॉब्लम ठीक करे, तो यही हमारे धन्वंतरी ने भी आपके लिए बहुत एक सुंदर सा अच्छा एक आयुर्वेदिक फॉर्मूला लेके आए हुए, उसको कहते हैं हम सुवर्ण रिच फेस पैक। ये क्या काम करता है कि भाई देखिए, अगर आपको स्किन ड्राई है, झुर्रियां आई है, वो आपको ठीक करने के लिए हेल्प करेगा। आपका मसल टोन लूज हुआ है तो उसको ठीक करेगा। आंखों के पास डार्क सर्कल्स और रिंकल्स आए उसको ठीक करेगा। दाग धब्बे हैं उसको ठीक करेगा। पिंपल्स को ठीक करेगा। उसके साथ अगर आपका स्किन टैन हुआ है, काला पड़ा हुआ है, उसको भी ठीक करेगा। अगर आपको टाइम नहीं है, पार्टी में जाना है, फटाफट ये फेस पैक लीजिए, लगा लीजिए,
बस आप आधा घंटा रखिए और धो डालिए, फिर देखो कितना बढ़िया सा रिजल्ट आता है। और जिन्होंने ये ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए रेगुलर एक महीना लगाया मैडम है उनका कैसे भी लगाना है, आप, थोड़ा सा ये और बता दें। हाँ बिल्कुल सर मैं बताऊंगी। हेलो तो मैडम, थोड़ा माइक माइक भी थोड़ा पास में कर लें, आवाज ज्यादा क्लियर आएगी मैडम। ओके सर अभी ठीक है सर, आप ज्यादा अच्छी आ रही है। हाँ। तो वो अगर आप पूरे अच्छे से एक महीना लगाते हो एज अ ट्रीटमेंट, तो आपको उसके सही रिजल्ट आएंगे और हम आपको बाद में दिखाएंगे कि हमारे काफी लोगों ने लगाने के बाद शेयर किए हुए उनके बिफोर आफ्टर रिजल्ट। अब भाई हमें कौन सी स्किन को और कौन सी प्रॉब्लम को कैसे लगाना है ये थोड़ा जान लीजिए और नोट कर लीजिए। अभी आपने जान तो लिया कि कितने कितने प्रॉब्लम पे लगा सकते हैं, तो अभी ये प्रोडक्ट कैसे लगाना है समझ लीजिए। अगर आपका चेहरा टैन हुआ है, धूप से टैन हुआ है, तो उसको आप कैसे लगाएंगे, तो एक चम्मच सुवर्ण रिच फेस पैक के साथ मसूर दाल का आटा लीजिए ड्राई पाउडर, उसके साथ आप थोड़ा सा दही या छाछ मिक्स करके वो पेस्ट बना के पूरे चेहरे पे लगाना है। अभी आप फोटो में देखेंगे कि लोगों को बाकी के फेस पैक को छोड़ना पड़ता है, लेकिन हमारी धन्वंतरी का ऐसा नहीं है। हमारी आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे भी हम लगा सकते हैं, पलक के ऊपर भी लगा सकते हैं जहाँ पे डार्क सर्कल्स होते हैं, क्योंकि वहां पे भी तो टैनिंग हो जाती है। ओके तो वहां पे हमने लगाना है, आधा घंटा रखना है और फिर उसको धो डालना है, जैसे हल्का सा पानी का हाथ लगा के उसको स्क्रब करना है, जैसे हम उपटन लगाने के बाद मली कैसे निकालते हैं वैसे उसको निकालना है, आप पता चलेगा कि बिल्कुल टैनिंग कम हो रहा है। अब सेकंड जिनको रिंकल्स आए हैं चेहरे पर, इसकी वजह से इलास्टिसिटी कम हो जाती है या फिर स्किन लूजनिंग हो जाती है, ऐसे लोगों को ये सुवर्ण रिच फेस पैक कैसे लगाना है, तो नोट कर लीजिए कि एक आधा चम्मच सुवर्ण रिच फेस पैक के साथ मसूर दाल का आटा मिक्स करिए, उसमें आपने थोड़ा दूध डालना है, दूध कैसा भी लीजिए, आपने गर्म किया हुआ दूध लीजिए, गर्मी के दिनों में आप थोड़ा गुनगुना दूध, सॉरी ठंड के दिनों में गुनगुना दूध डालिए, गर्मी के दिनों में ठंडा दूध डालिए, कच्चा दूध डालिए, जो प्रकार का हो वो प्रकार का दूध डालिए और उसमें थोड़ी चेहरे को लगा के रखिए। आधा पौन घंटा लगेगा ऐसे स्किन को टाइट होने के लिए, लेकिन आप फैन के सामने नहीं बैठोगे, नॉर्मल उसको नॉर्मली आप सूखने दोगे और जब सूख जाएगा तो हल्के हाथ से पानी लगा के उसको हल्के हल्के स्क्रब करके निकाल देना है। ये हो गया ड्राई स्किन वालों के लिए, टाइटनिंग वालों के लिए। अब जिनका आंखों पे प्रॉब्लम है, डार्क सर्कल्स है, रिंकल्स है, साइंस है, ऐसे लोगों को हम कैसे लगाएंगे, तो उसमें आपने फेस पैक में थोड़ा सा शहद डालना है और उसका पूरा लेप आप अपनी आंखों के आजू बाजू में लगा के रखना है 15-20 मिनट के लिए, फिर उसको धो डालना है। अब आते हैं पिंपल्स वालों के पास, जिनके चेहरे पे पिंपल्स है उनके ऊपर कैसे लगाएंगे, या दाग है, निशाने हैं, उनको कैसे लगाएंगे। तो जैसे अगर पिंपल्स है, ऑयली स्किन है, चिपचिपाट है, तो उसको आप थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी भी ऐड कर सकते हैं मसूर दाल के साथ, मुल्तानी मिट्टी और हमारा एक चम्मच मसूर अपना सुवर्ण रिच फेस पैक, और आप उसमें रोज वाटर डालिए या नॉर्मल पानी डालिए या हम कहेंगे छाछ डालिए, वॉट एवर यू हैव अवेलेबल। अगर रोज वाटर है रोज वाटर डालिए और आप उसको भी पूरे चेहरे पे, अगर पिंपल्स है तो रोज लगाइए 15 मिनट और धो डालिए। बच्चे तो आजकल कैसे पढ़ाई करते समय मोबाइल पे बैठते हैं कहाँ पे, तो आप लगा के रख सकते हो तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा सुवर्ण रिच फेस पैक लगाने का तरीका, और हमारा पीपीटी के लास्ट में सर दिखाएंगे आपको कि लोगों ने लगाने के बाद उनके क्या क्या रिजल्ट्स आए और बिफोर एंड आफ्टर के उनके फर्क भी दिखाई दिए हुए। अब आते हैं हम, सर आप वो दिखाने वाले हैं क्या, हाँ, मैं क्रीम का अभी एक्सप्लेनेशन शुरू कर दूं? हाँ क्रीम का कर दीजिए मैडम, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट। ओके कौन सा सर लगा के रख रहे हैं आप, पीच क्रीम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो पीच क्रीम जो हम अभी बताने वाले हैं, ये एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला लाया हुआ है जिसमें यूज किया गया है एलोवेरा जूस, पीच एक्सट्रैक्ट,
उसमें है मुलेठी, जैसे ज्येष्ठी मध उसको बोलते हैं, विटामिन B3 भी है, उसके साथ साथ ऑलिव ऑयल और इसेंशियल ऑयल्स भी यूज किए गए हैं। ये क्या काम करेगा कि आपके जो स्किन है उसका हाइड्रेशन अच्छा रखेगा, उसकी जो नरमाई है उसमें पानी का मॉइस्चर है वो अच्छा बनाए रखेगा, क्योंकि हमारी कभी कभी धूप की वजह से या हवा की वजह से, इस वजह से पानी कम हो जाता है, और पानी कम होने की वजह से हमें थोड़ा सा हल्की सी झुर्रियां लाइन या फिर टैनिंग हो जाती है या रूखी सूखी त्वचा दिखती है। लेकिन ऑयल रहता है तो ऐसे त्वचा पे जिनकी मॉइस्चर बैलेंस कम हो जाता है उनके लिए हम पीच ऑलिव मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो हाइड्रेटिंग क्रीम है, वो सजेस्ट करेंगे। ये कब लगाएंगे? ये आपने नहाने के बाद सुबह बाहर जाते समय लगाना है, और ये प्रोडक्ट बहुत थोड़ा लगता है, नहीं तो आप लेंगे एक चम्मच लेंगे और लगाते जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल चने दाल जितना आपको थोड़ा सा लगता है, एक चने जितना लगता है, दो तीन स्पॉट्स लगा लीजिए और उसको अच्छे से स्किन में अंदर नरिश कर दीजिए। ये एब्जॉर्ब भी जल्दी हो जाता है और उसके साथ पूरा दिन आपके स्किन का मॉइस्चर बैलेंस अच्छे से रखता है, जिससे आपके चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं आएगी, जल्दी टैनिंग नहीं होगा और रूखी सूखी भी नहीं होगी। ओके, और उसके साथ साथ कलर टोन भी संभाल के रखेगा आपका। अब ये किन्होंने लगाना है? ये सभी लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। ऑयल जिनकी स्किन त्वचा ऑयली है वो भी इसको अगर बाहर जाते समय थोड़ी मात्रा में लगाए तभी भी चलेगा, इनकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। क्योंकि बच्चों को ज्यादा करके टीनेज में बहुत पसीना आता रहता है, पसीना आने की वजह से हमारी त्वचा से पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो उसको भी रिप्लेस करेगा और जल्दी वो धूप से जलने नहीं देगा त्वचा को। ओके, तो ये आपने सुबह लगाना होता है और सभी लोग इसको लगा सकते हैं। अब हम लगाते हैं दूसरा क्रीम जो है हमारा, जो है हनी क्रीम, अलमंड हनी डीप नरिशिंग क्रीम, जिसमें बहुत ही प्रेशियस ऑयल से यूज किया बनाया गया है ये हमारा क्रीम, जिसको एप्रिकॉट ऑयल, जोजोबा ऑयल, अलमंड ऑयल ऐसे यूज किए गए हैं, उसके साथ साथ विटामिन ई यूज किया गया है, जो हमारी नरिशमेंट अच्छा करेगा। उसमें नागरमथा और लेवेंडर ऑयल भी यूज किया गया है। अगर जैसे मैंने बताया था कि ड्राई स्किन होने के बाद उनको जल्दी रैशेस हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, तो ऐसी स्किन के ऊपर अगर कोई हमें एलर्जी हुआ है या कोई इचिंग है, कोई इंफेक्शन है, तो ये इंफेक्शन को दूर करता है, हमारी सेल्स को अच्छे से जल्दी वो ठीक करता है। अगर उसका एक्शन कम हो गया है सेल्स का, तो एक्टिवेशन भी ठीक करता है। स्किन पे अगर बिल्कुल कालापन आ जाता है, बिल्कुल निस्तेज हो जाती है, उसको भी ये बहुत अच्छे से ग्लो लाता है। उसमें आपको इलास्टिसिटी स्किन की कम हो गई तो इलास्टिसिटी ठीक करेगा, जैसे ना लूज हो जाती है काफी बाद में, जैसे उसको खींचने से वो जल्दी अपनी अपनी जगह पे नहीं जाती, उसको कहते हैं इलास्टिसिटी जाना, तो ऐसी इलास्टिसिटी भी उसकी अच्छी है, लवचिक का उसको जल्दी ठीक कर देता है। इसका एक और मैं आपको उपयोग बताऊंगी, जैसे प्रेगनेंसी में अगर लेडीज की पेट काफी स्ट्रेच हो जाती है ना, पेट की स्किन तो स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, डिलीवरी के बाद भी स्किन ढीली पड़ जाती है, तो ऐसे टाइम पे आपने अलमंड क्रीम का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके साथ अगर आपका डार्क सर्कल्स हुआ है, रिंकल्स हुआ है, तो उसके ऊपर भी आप ये क्रीम को रात में लगा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 3 बार भी उसको डीप मसाज करेंगे, ऐसे ड्राई स्किन झुरझने वाली त्वचा को भी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये मेडिसिन से फॉर्मूला, इसमें कोई आपको हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाला हुआ, ना कोई स्टीरॉइड्स डाला हुआ है, लेकिन ये बेहतरीन से बेहतरीन आपका ये फॉर्मूला आपको रिजल्ट देगा। तो इसको कब लगाना है? ये क्रीम हमने रात को लगाना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम रात को करेगा, क्योंकि स्किन साफ रहेगी, रिलैक्स में रहेंगी, और ये इतना पूरा जो हमारे फॉर्मूला है वो अच्छे से वहां पे ये काम करेगा दवाइयां। तो जैसे मैं बताऊंगी लगाना किन्होंने, तो ये ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन वाले लगा
सकते हैं, लेकिन ये कौन नहीं लगाना है जिनकी स्किन ऑयली है, क्योंकि भाई उनके पास ऑलरेडी ऑयल है। और इसमें जो हमारे कोल कॉम्प्रेक्शन से बना हुआ इतने सारे तेलों का कॉम्बिनेशन, बेहतरीन से बेहतरीन तेल यूज किए गए हैं, उसमें ये और डालेंगे तो क्या होगा, डबल डोज हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है ऐसे वालों के लिए। इसीलिए ऑयली स्किन को हम मना करेंगे। ओके, दिस इज रेकमेंडेड ओनली फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। अब ये जो प्रोडक्ट्स है हम बताएंगे कि आपको फेशियल या सेल्फ स्किन ट्रीटमेंट में भी कैसे लगाएं, या फिर आप उसको प्रोफेशनल यूज में भी कैसे करें, या किसने वाले हूँ ये प्रोडक्ट्स को लेके। लेकिन उसके पहले मैं एक और एक हमारे दो प्रोडक्ट्स का मैं इधर एक का बताऊंगी कि जो है हमारा एक फुट क्रीम आता है जो हमारी कोकम बटर से बना गया है। दिस इज द कोकम बटर का फुट क्रीम, फुट मसाज क्रीम। जैसे हमारी एरिया फट जाती है जिसमें काफी रैशेस आते हैं ना, जैसे जलवात कहते हैं तलवों पे आता है, या एरिया फट जाती है, ऐसे प्रॉब्लम्स के ऊपर आप इसको लगाना होता है। जो हमारी ये पीपीटी में नहीं है क्रीम आया हुआ, इसलिए मैं आपको कैमरा में दिखा रही हूँ। तो ये जो फुट क्रीम है, आप अगर एल्बो पे, जैसे काफी लोगों के जो हाथ पे एल्बो पे जो होता है प्रॉब्लम यहाँ पे, तो वहां पे भी आप इसको लगा सकते हैं, वहां की त्वचा को ये सॉफ्ट करेगा और ठीक करेगा। और अगर जैसे स्किन की प्रॉब्लम्स है पाँव की तलवों की, उसको अगर आप हफ्ते भर लगाओगे तो आपका तुरंत रिजल्ट पता चलेगा आपको, कि कितने सॉफ्ट हो गए आप पाँव। अब इसको लगाना कैसे है, रात को सोते समय अपने पाँव अच्छे से साफ, ये क्रीम को हाथ लेके उसको वहां पे वो जगह पे अच्छे से मल देना है, मॉलिश करके छोड़ देना है। तो आपको दूसरे दिन ही पता चलेगा कि इसमें कितना सॉफ्टिंग हो गया है, डेड सेल्स हटाएगा, उसमें अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, खून आ रहा है, वो भी उसको हील करने के लिए, जख्म ठीक करने के लिए हेल्प करता है। और एक हमारा दूसरा बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसको कहते हैं आफ्टर शेव लोशन, एलोवेरा टी ट्री का आफ्टर शेव लोशन। ये एक है कि भाई आफ्टर शेव लोशन बोलने से सभी को लगेगा कि भाई खाली जेंट्स नहीं यूज करने वाला है, लेकिन नहीं, ये स्किन का ख्याल रखता है और ये सभी लोग उसको लगा सकते हैं। अब कौन कौन लगा सकते हैं ये जानिए। जिन जो लोग तो अभी दाढ़ी करते हैं, शेविंग करने के बाद कट जाती है, वो तो लगाने ही लगाने हैं, लेकिन और कौन कौन लगा सकता है, जिनको पिंपल्स हुए हैं, जिनको स्किन पे काफी खुजली आती है, रैश होती है, जो धूप से आ गया है, गर्म हुआ है, स्किन टेम्परेचर होता है, उसमें पंप है और स्प्रे आता है, उसमें तो आपने स्प्रे करना है। ये क्या करेगा, जैसे आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा। आप धूप से आते हो, गर्मी से बाहर से आते हो, आपकी स्किन जल रही है, तो आप पानी से धो दो या फिर इसको थोड़ा सा स्प्रे मार दो, आप 2 सेकंड में बिल्कुल फ्रेश लगोगे, क्योंकि इसमें मेंथॉल है। इसमें जो यूज किया गया बेहतरीन से बेहतरीन ये है फॉर्मूला है, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। जिसमें एलोवेरा है जो आपका स्किन को नरिश करेगा, मॉइस्चर रखेगा, हाइड्रेट रखेगा। उसके साथ टी ट्री जो है वो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करता है। अगर कहीं आपको कुछ पॉइजनस कुछ कटा हुआ है, लगा हुआ है, उसको भी ठीक करता है। रिंग वर्म्स है, या फिर हम स्किन ड्राई एक्जिमा होता है, ऐसे भी प्रॉब्लम्स को वो ठीक करता है, टी ट्री ऑयल जो हमारे इसमें यूज किया गया है। उसके साथ साथ कैलेंडुला है, कैलेंडुला मतलब क्या, गेंदे का फूल, चेंडू उसको बोलते हैं, उसका जो एक्सट्रैक्ट है वो एक्सट्रैक्ट हमारे जख्म को हील करता है। जैसे अगर ड्राई स्किन है, वो खुजली आने से इचिंग होती है, तो नाखून बिखून लगता है, तो क्या होगा, वहां पे तो इन्फेक्शन जल्दी हो जाएगा, तो ऐसा भी इन्फेक्शन को दूर करता है। मेंथॉल क्या करता है, आपकी स्किन को कूल रखता है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल कर देता है। तो ये जो हमारे फॉर्मूला है, दैट्स द बेहतरीन फॉर्मूला आफ्टर शेव लोशन, कि भाई हम सभी इसको लगा सकते हैं। जैसे फेशियल हो गया तो एक स्किन टोनर की जगह वो काम करेगा, आप लगा दो। नहाना हो गया, आप कुछ मेकअप कर रहे हो, उससे पहले स्किन टोनर जैसा उसको स्प्रे कर दो, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगा।
पिंपल्स हो गया है, बच्चों को रैशेस आ गए हैं, बड़े बड़े फोड़े हो गए, उसके ऊपर आप लगा के रखो दिन में 2-3 बार, वो भी ठीक कर देगा। तो ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, आफ्टर शेव लोशन नाम दिया गया है, लेकिन ये स्किन टोनर का काम करेगा और दिस इज रिकमेंडेड फॉर एवरीवन। ओके, अब जो बारी आती है कि भाई ये सारी प्रोडक्ट्स हम आपको कैसे लगाना है और कब लगाना है, ये कॉम्बिनेशन में समझाएंगे। जैसे अगर आप घर में फेशियल कर रहे हो या फिर आप पार्लर में जाते हो, तो आप अपना किट लेके जाओ, अपने स्किन के अनुसार आप क्रीम चूज कर लो। आपका ऑयली स्किन है तो आप उसको पीच क्रीम लेके जाओ, आपकी ड्राई स्किन है, एजिंग स्किन है बिल्कुल, तो उसको आप आलमंड क्रीम लेके जाओ साथ में। उसी की तरह अगर नीम फेस वॉश या रोज फेस वॉश सिलेक्ट कर लो और सुवर्णरी फेस पैक साथ में है, तो ये जो प्रोडक्ट है अब उसको हम प्रोफेशनल एंड पर्सनल यूज में कैसे यूज करना है ये बताते हैं। तो हमारी पूरी जो धन्वंतरी फैमिली में है, तो ऐसा नहीं है कि भारी खाली बिजनेस वाले लोग हैं, इसमें पर्सनल यूज भी करते हैं, या फिर कोई स्पास चलाते हैं, कोई पार्लर चलाते हैं, कोई सलोन चलाते हैं, जैसे लेडीज और जेंट्स के हो गए, तो ये अलग अलग जगह पे हम उसको कैसे इस्तेमाल करो। कोई कोई तो ऐसे होते कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि भाई पार्लर में या स्पास में बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं, तो फिक्र ना करो जी, आप इसको आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते अपने आप। तो वो कैसे लगाते हैं और कैसे यूज करते हैं तो मैं बताती हूँ, चलिए सब लोगों ने नोट कर लीजिए। पहले हम जब फेशियल करते हैं या स्किन को अच्छे से हमको तैयार करना है, कहीं जाना है, तो क्या करेंगे, पहले स्किन को क्लीन करते हैं। तो क्लीनिंग करने के लिए हम अपने स्किन के अनुसार क्या यूज करेंगे, रोज वाला या फिर नीम वाला। वैसे ही बॉडी स्पा वाले जो है सेंटर्स में, वहां पे भी आप रेकमेंड कर सकते हो, जैसे बॉडी स्पा के लिए भी पहले पूरा बॉडी को क्लीन करना जरूरी होता है, जो चेहरे का काम है वही पूरे बॉडी को भी किया जाता है, तो वहां पे भी आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक है और उससे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, बाकी के लोगों से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, तो आपने वो सिलेक्ट करना है और पूरे अपने चेहरे को या बॉडी को उसको अच्छे से मॉलिश करके लगाना है। तब आप फेशियल के टाइम पे 1 मिनट के लिए तो भी आप उसको मसाज करेंगे पानी के हाथ से। अब देखिए, मैं पानी का जब बोलती हूँ फेशियल के लिए, मसाज के लिए, तो यहाँ पे रेकमेंड करूंगी कि धन्वंतरी की हमारे सभी लोगों के पास अभी आयुर कैंडल आ गई है, आयुर जल। तो वो आयुर जल का अगर आप बाउल में पानी लेके रखेंगे और उसके साथ साथ अगर वो पानी के हाथ से थोड़ा मसाज करते रहेंगे, तो भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा कि अगर आपकी स्किन ड्राई हो गई है, झुर्रियां आ गई है या कालापन आ गया है, उसको हील करने के लिए हेल्प करेगा। स्किन की ज्यादा सेलिंग हो रही है, स्केलिंग जो निकल रही है, डेड सेल्स निकल रही है, उसको भी जल्दी ठीक करने के लिए, जख्म है, कुछ प्रॉब्लम है, वो भी ठीक करने के लिए हमारा आयुर जल का पानी काम करता है। त्वचा पे कभी कभी ना कहीं पे ज्यादा मेटल्स होते हैं पानी में, हार्ड वाटर होता है, या फिर कहेंगे कहीं कहीं पानी में कहेंगे चारकोल जैसे पार्टिकल्स आते हैं, तो स्किन वहां पे काली पड़ जाती है, ज्यादा हैवी मिनरल्स होने की वजह से भी स्किन काली पड़ जाती है। तो ऐसे स्किन को कालापन ठीक करने के लिए भी हमारा आयुर जल का पानी बहुत अच्छे से काम करता है। ओके, तो ये पानी को आपने मसाज के लिए साथ में लेके रखना है बाउल में। ओके, अब ये पानी से आपने अच्छे से चेहरे को साफ करना है, क्लीन करना है, जो आपने नीम या रोज फेस वॉश लगाएंगे। उसके बाद आपने स्क्रब लगाना है चेहरे पे, हल्के हल्के राउंड स्ट्रोक से स्क्रब लगाना है, लेकिन बीच बीच में आपने त्वचा को नमी रखनी होती है, नमी रखते रखते उसको हल्के हाथ से पूरा गोल 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 स्क्रब करना है। अब ये आपको पूरा बॉडी पे करना है तो आपको 10-15 मिनट तो पक्का लगेंगे, लेकिन खाली फेस को करना है तो आधा एक मिनट बहुत हो गया। अब उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने रेकमेंड किया हुआ है लेडीज एंड जेंट्स सभी के लिए। ओके, लेकिन जेंट्स समझ लीजिए, आपको अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी के अंदर वो छोटे छोटे एप्रिकॉट के स्क्रब वो रह सकते हैं ग्रैन्यूल्स, तो उसको अच्छे से पानी से धो देना है। उसके बाद पूरा चेहरा क्लीन हो जाएगा, पता चलेगा वहां पे कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो उसको आप अच्छे से टैप कर लीजिए। उसके बाद आपने स्टीम लेना है।
जैसे स्पा में आप स्टीम बाथ में बिठा दो, स्टीम की कवर करके बॉडी को स्टीम देने के लिए बिठा दो, या फिर आप फेशियल कर रहे हो तो स्टीम लेना है, अच्छे से चेहरे को कवर करके स्टीम लेना है। लेकिन स्टीम कैसे लेनी है, हल्की सी पसीना आए ऐसा ही स्टीम लेना है, ना कि आपने उसको लाल लाल होने तक उसको जलाना है त्वचा को, नहीं तो दूसरे दिन वो चेहरा स्टीम काली पड़ेगी क्योंकि वो जल गई है। तो इसीलिए मैंने बताया कि स्टीम कैसे लेनी है, हल्के से जैसे पसीना आए ऐसे लेनी है, ताकि पोर्स ओपन हो जाए और अंदर से जो अगर थोड़ी सी कहीं और गंदगी रह गई है उसको हम कॉटन से पोंछ देंगे और जो पोर्स ओपन रहेंगे तो उसमें नरिशमेंट अच्छी रहेगी। अब क्लीन हो गया, स्टीम हो गई, उसको साफ कर लीजिए, टैप कर लीजिए, और अगर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है तो अपने अच्छे से कपड़े से जो सॉफ्ट नैपकिन है जैसे हैंकी होता है या फिर पंचा होता है उससे आपने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हल्के हाथ से निकालना है। ना मैं कहूंगी उन्होंने वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाना है, अगर वो पिन लगाते हैं तो दैट इज नॉट ऑलवेज स्टरलाइज, तो उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है या स्किन छिल सकती है करते करते और फिर वहां पे आपको जख्म होता है या फिर इन्फेक्शन बढ़ सकता है। सो इट इज द बेस्ट थिंग कि आप कपड़ा ले लो उंगली में डाल के एंड देन उसको प्रेस करके निकाल दो। क्लीन हो गया सब चेहरा, फिर आप जो आपने स्किन के अनुसार चूज किया हुआ क्रीम है उससे आपने मसाज शुरू करना है। अब मसाज कैसे शुरू करना है, तो गले से ऊपर जाना है चेहरे तक, नहीं तो लोग क्या करते हैं जनरली चेहरे को ही मसाज करते हैं और गले को छोड़ देते हैं, फिर पता चलेगा दो उसमें अलग अलग बिल्कुल कलर दिखते हैं या फिर यहाँ पे झुरिया दिखती है यहाँ पे नहीं होती है। तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ जो हमारा स्किन बिल्कुल ऐसे नीचे ढलता रहता है तो उसके लिए हमें मसाज भी करना अपवर्ड डायरेक्शन में। तो शुरू करना है हमारा मसाज हमने गले से, तो गले से हमने अपवर्ड डायरेक्शन में हमने मसाज करना है, उसको तीन तीन बार स्ट्रोक में करना है। फिर आते हैं थोड़ी से लेके हमने चेहरे पे साइड साइड से जॉ लाइन से मसाज करना है। उसके बाद आते हैं हमारी लाइंस फॉर्म करेंगे चीक्स पे, एक दो तीन ऐसे, ये जो एक दो तीन लाइंस में फॉर्म करेंगे सेम टाइप यहाँ पे भी होगा तीन, तो उसको हमने तीन तीन बार मसाज करना है, ये साइड में ये साइड में ये साइड में, तीन तीन बार हो गया। अब आते हैं थोड़ी पे अपर लिप्स पे, फिर आते हैं नोज लाइन पे, नोज लाइन से फोरहेड पे, फोरहेड पे भी हमने ऊपर की ओर मसाज करना है। उसके बाद आते हैं हम आंखों के पास, आंखों के भी हमने ये जो रिंग फिंगर होती है उससे ही हमने राउंड सर्कल्स में हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है। क्यों, वहां पे भी ब्लड सर्कुलेशन अगर कम हो जाए तो वहां पे जल्दी झुर्रियां आती है और कालापन भी आता है, आंखों की जो तेज है वो कम हो जाता है, तो अगर आप मसाज करो तो वो तेज अच्छा हो जाता है और आपको रिलैक्स फील करते हैं, आंखों में दर्द भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप गलत उंगली इस्तेमाल करेंगे आंखों के लिए, ये वाली या दूसरी और कहीं, तो आंखों में आई बॉल में दर्द होगा। इसीलिए मैंने कहा ओनली रिंग फिंगर, ठीक है, रिंग फिंगर जिसमें हम एंगेजमेंट रिंग डालते हैं वो रिंग फिंगर ही हमने उसी से आंखों पे मसाज करना है। अब ये मसाज हमने पूरे चेहरे पे करते रहना है एटलीस्ट 20 मिनट। अब 20 मिनट क्यों करना है, क्योंकि स्किन की एब्जॉर्बिंग पावर जो है वो 20 मिनट की है, त्वचा में पानी और तेल जो भी हमें चाहिए वो उतनी ही मात्रा में उसको अच्छे से मसाज करना है। उसके बाद हम बताएंगे आपको कुछ एक स्पेशल मसाज पॉइंट्स बताती हूँ आप लोगों को, आप उसको फॉलो कीजिए। जैसे मसाज करते समय आपने पहले ये जो तीन उंगलियां हैं उसको यहाँ पे दबाना होता है, जो आईब्रोज का एंड में है वहां पे आप दबाइए, जो लोग काफी लोग बोलते हैं स्क्रू ढीला है वो जगह पे आपने उसको अच्छे से प्रेस करना है 10 सेकंड्स के लिए। मसाज करते करते आपने जब थोड़ी पे आते हो तो थोड़ी पे ये अंगूठा नीचे की ओर और एक पहली उंगली यहाँ पे आपने ऐसे दबाना है 10 सेकंड के लिए, जिससे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा रहे और पेट साफ होने के लिए हेल्प हो जाए। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होता है उन्होंने अंगूठे को यहाँ पे दबाना होता है 10 सेकंड के लिए, छोड़ना है वापस 10 सेकंड के लिए दबाना है,
तो क्या होगा, उनका ये पेट का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। अब आते हैं ये जो हमारी लिप्स के साइड कॉर्नर्स होते हैं वहां पे भी आपने दोनों उंगली से प्रेस करना है 10 सेकंड के लिए। और एक पॉइंट है दैट इज मेंटल पॉइंट, इसको कहते हैं कि हमारी होठों का बीच में जो खड्डा होता है वहां पे आपने दबाना है 10 सेकंड के लिए। आते हैं फिर जाइगोमेटिक बोन्स जिसको हम कहते हैं, ये चिक बोन्स, वहां पे भी आपने 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है। फिर आते हैं हम जहाँ पे कान में डालते हैं वो कान की बाली को आपने उसको अच्छे से प्रेस करना है, मसाज करते करते जो कान के नीचे और जॉ लाइन के एंड में वहां पे नीचे आपने तीन उंगलियों से हल्का सा प्रेस करना है, बिल्कुल हल्का सा। कोई कोई ज्यादा प्रेस करेंगे वहां पे ग्लैंड होते हैं तो स्वेलिंग आ सकती है। बिल्कुल हल्के हाथ से उसको जैसे आपको अच्छा लगे वैसे हल्के हाथ से उसको 10 सेकंड, जैसे 1 2 3 छोड़ देना, 1 2 3 छोड़ देना, ऐसे आपने हल्के हल्के प्रेस करना है। फिर आते हैं हमारा साइनस, जो हमारी आईब्रोज का और एंड और जैसे स्टार्ट कहेंगे और जहां से नाक की हड्डी शुरू हो वहां पे हमने अंगूठे से प्रेस करना है, जो आपका साइनस को हील करेगा, आपका सर दर्द अगर हो तो भी हील करेगा। आईब्रोज को आपने प्रेस करना है अच्छे से। ये हो गए प्रेशर पॉइंट्स। उसके साथ दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर पॉइंट्स है, जो एक आपका अग्नया चक्र का है वहां पे आपने प्रेस करके रखना है 10 सेकंड। उसके बाद आता है ब्रह्मरंध्र, जो हमारा ये बिल्कुल मिडिल पोर्शन होता है, जो बच्चों में पैदा होने के बाद यहाँ पे इतने उंगलियों का गैप रहता है 4 उंगलियों का, तो वहां पे हमने ब्रह्मरंध्र को हमने प्रेस करना है। अगर हमारा सौम्य हेयर ऑयल या फिर कौन सा भी आप नारियल तेल उसको लेके ऐसा प्रेस करोगे तभी भी आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन होता है और पूरा कान तक अपने उसको यहाँ पे ऐसा दबा दबा के आपने प्रेस करना है हल्के हाथ से, तो ये बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। उसके बाद आप अगर स्ट्रेस में है फिर भी, तो आपका गर्दन पे जो लाइन है, जो कॉलर बोन होता है ना, ये कॉलर शोल्डर, उसको आपने दोनों हाथ से अच्छे से मसाज करना है अपने अपने ही हाथ से। दैट विल गिव यू रिलैक्सेशन। हाथ के शोल्डर्स को राउंड राउंड करिए। ये हो गया आपका मसाज टेक्निक खुद के लिए, और वही टेक्निक आप दूसरों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पा के लिए बॉडी में कर रहे हो तो वही क्रीम से पूरे बॉडी को भी आप सूदिंग स्ट्रोक्स में मसाज कर सकते हैं, पेट पे, पीठ पे, हाथ पे, पाँव पे। उसके साथ साथ पानी के हाथ से सूदिंग करिए या फिर दूध का हाथ से थोड़ा सूदिंग कीजिए, बहुत सुंदर रिजल्ट आएगा। अब हो गया नरिशमेंट, 20 मिनट आधे घंटे की होगी। अब उसके बाद आपने उसको लगाना है स्वर्ण रिच फेस पैक, जो क्लाइमेट के हिसाब से या स्किन के हिसाब से आपने उसमें बाइंडर थोड़ा सा डालना है, मसूर दाल का आटा या फिर उसको कहते हैं मुल्तानी मिट्टी, दूध डालिए या दही डालिए, जो प्रॉब्लम के लिए आपको यूज करना है उसको डालिए, और वो आप चेहरे पे लगा के रखिए या वही लेपन पूरा बॉडी पे लगा के रखिए और उसको सूखने तक रखना है। जैसे सूख जाएगा उसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे स्क्रब करके करके उसको निकालना है और पूरी बॉडी को धो डालना है या फिर चेहरे को धो डालना है। अब वो धोने के बाद आपने उसको टैप करना है और उसके बाद हमने यूज करना है आफ्टर शेव लोशन, क्योंकि हमारी स्किन इतनी अच्छी क्लीन हो गई, नरिश्ड हो गई और जो पोर्स ओपन हो गए थे उसको वापस टाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए हमने फेस पैक भी लगा दिया है, तो वो नॉर्मल पोजीशन और वो अभी क्लीन हो गया है, तो उसको अभी कोई वापस धूल मिट्टी ना बैठे, अंदर ना जाए, उसके लिए हमने वो हमारा आफ्टर शेव लोशन जैसे स्किन टोनर हमने स्प्रे करना है चेहरे पे। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा एक स्किन केयर का प्रोसीजर। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सवाल आने से पहले ही मैं बता दूं कि भाई पिगमेंटेशन अगर है, झाइयां हुई है, तो ऐसे लोग क्या लगाएं? तो चलिए नोट कर लीजिए, हम ऐसे प्रॉब्लम के लिए भी क्या लगाएं। जो लेडीज को पिगमेंटेशन होता है, अभी देखिए हम सौंदर्य की बात कर रहे हैं तो सौंदर्य के लिए पहले लेडीज का बात आता है कि चेहरे की झाइयां या चेहरे के दाग निशाने आते हैं, भाई क्यों आते हैं? तो ये समझ लीजिए पहले कि अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, उसमें पानी की मात्रा कम है और आप धूप में
में जाते हो डायरेक्टली सनरेज आते हैं तो भी स्किन जल जाएगी और वहां की मेलानिन रिएक्ट होगी, एक्शन में आएंगे और वहां पे टैनिंग हो जाएगा। दूसरी बात होती है कि बाबा अगर आपने कोई पील्स खाई है हार्मोन्स की, अगर पीरियड्स इनरेगुलर है या पीरियड्स को एक्सटेंड किया है या बच्चा रोकने के लिए आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पील्स खाई है, तो ऐसे वक्त भी आपको पिगमेंटेशन हो सकता है, दैट्स द साइड इफेक्ट। दूसरी बात है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से जैसे प्रेगनेंसी में या फिर मेनोपॉज के टाइम पे भी आपको पिकल्स मार्क्स या पिगमेंटेशन होता है। ऐसे के लिए हमारा सुवर्ण रिच क्रीम था, अभी थोड़ा प्रोडक्शन हमारा बंद है या आप तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक ऐसे स्किन वालों ने क्या लगाना है कैसे करना है तो हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है कि भाई आप थोड़ा सा होम रेमेडी भी बता दो तब तक कि भाई ये आगे हमारा कंटिन्यू रहे। तो ऐसे लोगों ने लगाना है अलमंड क्रीम, अलमंड क्रीम से रात को मसाज करना है, दिन में पीच क्रीम लगाना है एंड सुवर्ण रिच फेस पैक जो है वो आपने चेहरे पे अल्टरनेट डे लगा के रखना है। उसके साथ साथ मैं अगर आपको होम रेमेडी में एक दो अगर कुछ थोड़े फॉर्मूलेज बता दूं तो आप नोट कर लीजिए, प्लीज प्लीज नोट कर लेना सब लोगों ने। अभी आपके घर में आलू है, खीरा है, टमाटो है, ये सब होते हैं, है ना, जो हरा धनिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं पीपीटी में आप बिफोर आफ्टर का फर्क दिखाया है पिगमेंटेशन का, कि अगर आप अपना जो सुवर्ण रिच फेस पैक है उसको लगाने के बाद और ये जो क्रीम अलमंड क्रीम है इससे नरिशमेंट करने के बाद पैक लगाने के बाद क्या रिजल्ट आता है, तो ये सर और दो लोगों के फोटो है वो भी आप दिखा दीजिए। तब तक मैं इन लोगों को फॉर्मूला बता दूं, इनका चेहरा पूरा काला पड़ जाता था, पैची पैची जैसे कुछ काला पाउडर लग गया है, ऐसा भी इनका स्किन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और एक हमारे सर है उनके भी काफी टैन रहती थी स्किन, वो भी उनकी टैनिंग कम होगी ये बिफोर आफ्टर लगाने की वजह से, क्योंकि पानी की मात्रा तेल की मात्रा अच्छी होगी और वो पूरा फेस पैक से पूरा ये स्किन का अच्छे से कवरिंग भी हो गया है। अब मैं जो फॉर्मूला आपको लिख के दे रही हूँ प्लीज नोट कर लीजिए, जैसे आपके घर में आलू है, खीरा है, हरा धनिया है, टोमेटो है, टमाटो नहीं है तो थोड़ा सा नींबू है, ये आप सब मिक्सी में क्रश कर लीजिए और ये पाउडर ये जो पेस्ट है ये अपनी सुवर्ण रिच फेस पैक के साथ मिक्स करके आप वो पैचेस पे लगा के रख दीजिए। रोज अगर इसको आप लगा के रख दे 15 मिनट तो भी आपको फर्क नजर आएगा। ये अगर किसी को फॉर्मूला अच्छा लगता है तो ये लगाए। और एक छोटा सा दूसरा फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे हर एक लोगों के घर के पास बरगद का पेड़ होता है और बरगद के पेड़ को जो नया पत्ता आता है वो जो नया ऐसा पत्ता फूलता है उससे पहले उसमें एक छोटा सा नाखून जैसा या एक पॉइंटेड जैसा एक पत्ता वो नया कोम आ जाता है, उसको अंकुर बोलते हैं। जो नया पत्ता होने से पहले वो बिल्कुल बंद और अंकुर में होता है, पॉइंटेड होता है नेल जैसा, जैसे नाखून कैसा हमारा पॉइंटेड होता है वैसे, तो उसको आप अंकुर को तोड़ दीजिए और मसूर दाल को भिगो के वो मसूर दाल और ये अंकुर को सिलबट्टे पे, हाँ मैं बोल रही हूँ पत्थर के सिलबट्टे पे आपने पीसना है, ना कि मिक्सर में, मिक्सर में उसका डायरेक्टली छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हो जाएंगे, लेकिन जो हम पीसेंगे तो उससे जो जूस निकलेगा उसका जो पेस्ट बनेगा वो हमारा बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये इसको हमने यूज करना है रोज वो जगह पे ताकि वो सेल्स निकालने के लिए और वहां का पिगमेंटेशन कम करने के लिए भी हेल्प करेगा। ये बहुत बेहतरीन फॉर्मूला आयुर्वेद से है जो कि हमारी वांग भट्ट में भी दिया गया है, तो ये आप लोग जरूर इसको ट्राई कीजिए पिगमेंटेशन के लिए और सुवर्ण रिच फेस पैक। तो ये हमारा एक छोटा सा हमने स्किन केयर आप लोगों के लिए लाया हुआ है आज। हमारी अगली सेशन में हम आपका हेयर केयर लेने वाले हैं, इसमें हम आपको हेयर शैम्पू, हेयर ऑयल और हेयर कलर के साथ हेयर के कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स का क्यूरेशन बताएंगे, उसका यूज बताएंगे। तो अभी हम ये जो प्रोडक्ट थे इसको कैसे लगाना है, क्यों लगाना है, किन्होंने नहीं लगाना है, किन्होंने कैसे लगाना है, ये सारा बता दिया है।
तो इसके साथ मैं सर जी को बताऊंगी कि सर अगर मेरा कुछ स्किप हो गया होगा तो बताइए, या फिर किसी को सवाल है हाँ, तो सवाल पूछ सकते हैं सर। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा सेशन था। इसके साथ साथ मैं चाहता थैंक दो पिछले लास्ट दो प्रोडक्ट उनकी थोड़ा हल्का सा ब्रीफ कर दीजिए, ताकि क्लियर हो जाए कि भाई क्या उनकी क्वालिटी थी प्रोडक्ट की, कौन सी सर? वी वॉश और सैनिटरी नैपकिन को जो कुछ नए गेस्ट होंगे, थोड़ा देर को 5-5 मिनट को, 2-2 मिनट बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि ये काफी बड़ा लेक्चर होता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। पहला मैं सैनिटरी पैड लेती हूँ। ये बाहर के सैनिटरी पैड से हमारा क्यों बेहतरीन है और क्यों यूज करना है, तो भाई पहले मैं बता देती हूँ कि जो सैनिटरी पैड्स यूज किए जाते हैं बाहर, उसमें सिंथेटिक और प्लास्टिक होता है, जिसकी वजह से अंदर की हमारी स्किन को भी बहुत गर्मी हो जाती है और स्किन रैशेस होता है, क्योंकि उसमें केमिकल्स भी होते हैं। जो ग्लू यूज किए जाते हैं या केमिकल यूज किया जाता है, एब्सॉर्बिंग अच्छा है उसमें, एब्सॉर्बिंग पावर अच्छी है बताने के लिए, उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन वो हमारी यशोरी सैनिटरी पैड में नहीं है, क्यों? उसका बेहतरीन बात क्या है, तो ये ऑर्गेनिक कॉटन से बनाया गया है, बहुत थिन लेयर, माइक्रो थिन सॉफ्ट लेयर से बने गए हैं, जिसकी एब्जॉर्बिंग पावर बाकी से काफी 6 पट ज्यादा है। ओके, उसके साथ साथ जो लेयर्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, वो 6-7 लेयर्स के साथ मैं बताऊंगी कि सेकेंड लेयर में एक एनॉइंग चिप होती है। वो क्या करती है कि आपके नीचे में जो भी कुछ इंफेक्शन हो रहा है, जलन हो रहा है, खुजली हो रही है, उसको हील कर देता है। कि जो एक बायोमैग्नेटिक चिप है कि आपके बॉडी को गीला होने के बाद, जैसे वो अगर स्ट्रिप गीली हो जाए तो वो रिचार्ज होती है और वो आपके बॉडी को हेल्प करती है हीलिंग के लिए। तो अगर लेडीज को वहां के जगह में अगर इचिंग है, खुजली हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो वो जो स्ट्रिप है उसमें यूज की गई, उससे वो जल्दी ठीक हो जाता है। यहाँ तक कि पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स हो जाती है पीरियड्स के टाइम पे, या गर्भाशय या अंदर के ऑर्गन्स जो वीक है उसको भी बल देता है, दैट इज एन एनॉइंग चिप। ओके, अब मैं बताती हूँ, उसके अंदर जो भी गीलापन सोखता है वो पूरा वो जेल फॉर्म में हो जाता है, वो बाहर कहीं भी लीक नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्टली वो लिक्विड का वो जेल फॉर्मेशन में हो जाता है और उसकी एब्सॉर्बिंग पावर इतनी ज्यादा है कि वो पूरा सोख लेता है। उसके साथ साथ जो लेयर से वो पूरे ब्रीदेबल है, यानी हवा उसमें से आती जाती है, ताकि आपकी वहां का टेम्परेचर वो नॉर्मल रखता है। लेडीज को वैसे भी पीरियड्स के टाइम पे काफी गर्माहट होती है और ये पूरा पैड्स लगाते हैं बाहर की के, तो गर्मी हो जाती है, उसकी वजह से वो रिवर्स में गर्भाशय में जाने से हीट हो जाती है और गर्भाशय के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो लेकिन ये पैड लगाने से उनको पूरा हीलिंग, सूदिंग, कोई जलन नहीं होगी, इनफैक्ट अगर वो प्रॉब्लम्स हो रहे तो वो हील हो जाते हैं, एब्जॉर्बिंग अच्छा होने की वजह से उनको बार बार लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके साथ वो बिंदास काफी देर तक उसको, आप अगर कहीं आपको टाइम नहीं मिला चेंज करने के लिए, तो वो आपको सिक्योर रखता है। ओके, दूसरी बात जो है, इसमें जो भी गम यूज किया गया है वो बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, वो बिल्कुल अच्छे से आपका बॉडी से फ्रेंडली है, तो उससे भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर लेडीज को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, आपको वहां के इन्फेक्शन हो, ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, उसके लिए भी ये सैनिटरी पैड बहुत अच्छा है। वाइट डिस्चार्ज के टाइम पे भी अगर लेडीज इसको लगाएं, तभी भी वो जल्दी हीलिंग के लिए हेल्प करता है। अब आते हैं यशोरीच वी वॉश की तरफ। अब ये वी वॉश भी क्या है, जैसे पूरे बॉडी को हम लगाने के लिए अलग अलग जैसे साबुन है, वैसे ही हमारा इंटीमेट एरिया को भी साफ करने के लिए लाया हुआ एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, दैट इज द यशोरिच वी वॉश। ये वी वॉश क्या है, दैट ये जो है बिल्कुल हार्मफुल केमिकल फ्री है और वो हमारा आयुर्वेद की फॉर्मूला से बनाया गया काढ़ा है, जिसको हम कहते हैं पंचवल कषाय। अब ये क्या है, तो ये 5 पेड़ों से बनाया गया काढ़ा है, जिसको हम कहते हैं वड, पिंपल, औदुम्बर, प्लाक्ष और रीठा। ये 5 पेड़ों से बनाया गया काढ़ा है, जिसको हम प्रिजर्व किया है, वो भी अपने बिल्कुल हार्मफुल केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है बिल्कुल, और वो जगहों का पीएच बैलेंस अच्छे से मेंटेन रखता है। वहां पे अगर आपको ईचिंग प्रॉब्लम है, पसीने से प्रॉब्लम आ गई है, यूरिन इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन
कंस्ट्रक्शन है, ज्यादा चिपचिपाट है, वो भी अगर प्रॉब्लम्स है, तो अगर ये भी वॉश से आप वो जगह को दिन में 2-3 बार धोते हैं तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और जल्दी हीलिंग हो जाएगा। ज्यादा देर तक गीला कपड़ा रहना, जैसे पसीना रहना या फिर गीले कपड़े अंग पे रहना, या फिर हम कहेंगे काफी बाकी के पैड्स रहते थे पीरियड्स के टाइम पे लेडीज के, तो ऐसे भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वहां पे पसीना या इचिंग प्रॉब्लम हो जाती है, उससे भी जो रैशेस होते हैं वो भी इससे क्लीन हो जाते हैं। जैसे शिशु को करके आए तो आप उसको नहाते समय या रात को सोने से पहले इससे आप वो जगह को साफ कर लीजिए, जैसे नॉर्मली आप सोप लगाते हो वो जगह पे, वैसे ही वो सोप की जगह आपने ये शोरीच आपने ये वीवॉश लगाना है, उससे आपकी वो जगह हील हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, साफ रहेगी और जो भी इंफेक्शन प्रॉब्लम है वो सब हील होने के लिए हेल्प होगा। तो ये बिल्कुल हमारे काफी लेडीज ने, काफी एजेड लेडीज ने, काफी गांव-गांव के बिल्कुल ऐसे लोगों ने यूज किया है कि उनके सभी के रिजल्ट्स आए कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और उनको गर्मी के दिनों में जो भी प्रॉब्लम्स होती थी पीरियड्स के टाइम पे या ऐसे गर्मी की वजह से, तो ये दोनों प्रोडक्ट यूज करने से लेडीज को बहुत हीलिंग हो गया है। हमारी डॉक्टर साहब ने ये भी बताया है कि भाई ये यशोरिच वीवॉश मतलब ओनली इट्स फॉर लेडीज, ऐसा नहीं है, तो आप टीन एजर्स से लेके जेंट्स लेडीज सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सभी के लिए बहुत अच्छा है और घर घर में ये होना चाहिए, क्योंकि पूरी हमारी पर्सनालिटी या हमारी बॉडी या हमको सेहतमंद अच्छा रखने के लिए वो जगह का भी सेहत होना अच्छा है। तो इसीलिए ये दो चीजें सभी ने हमारे घर में रखनी है, हमारे बाथरूम में तो होना ही चाहिए यशोरिच वी वॉश, और हर एक लेडीज ने सैनिटरी पैड के लिए यूज करना है यशोरिच सैनिटरी पैड, क्योंकि हमारा मिशन ही है कि भाई आपको केमिकल फ्री और अच्छे से अच्छे और जिंदगी अच्छा देने वाली ही प्रोडक्ट्स आपको दे, और वही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे शशि सर जी ने, हमारे पाटिल सर जी ने, डॉक्टर पाटिल सर जी ने और हमारे खलाटे सर जी ने लाए हुए हैं, कि जो हमेशा हम सबके सेहत का ख्याल रखते हैं। उसी के साथ साथ मैं बोलूंगी अभी उन्होंने हम सबके ऊपर इतना अच्छा काम किया है कि सभी प्रोडक्ट्स के उन्होंने जो है पीवी बढ़ा दिए हैं, कि अब जैसे कॉस्मेटिक्स में भी वो बढ़ गए हैं, ताकि वो आप अच्छे से कमा सको और काफी से काफी अच्छे आप लोगों को रेकमेंड कर सको, ताकि आपका अच्छा बिजनेस चले, क्योंकि आप धन्वंतरी के साथ है तो वो आपको कभी मायूस नहीं होने देगा, ना कभी दुखी होने देगा, ना कभी आपकी सेहत को बिगड़ने देगा, ना कभी आपकी सुंदरता को बिगड़ने देगा। तो ये है कि आपको हर चीज से, आपको पैसे से, सेहत से, सुंदरता से, खाने पीने जैसे एग्रीकल्चर से, और उसके साथ साथ आपके जो भी घर में प्राणी है उसका भी वो ख्याल करता है। इतने अच्छा हमारा काम धन्वंतरी हमारे लिए कर रहे हैं, तो ये जो हमारा धन्वंतरी के लिए हम कहेंगे कि थैंक यू सो मच सर कि आप सबके लिए इतना सोचते हो, ऐसे टाइम पे भी आपने सबके लिए सोचा है कि इन लोग भी अगर ज्यादा से ज्यादा और अच्छा कमाएं और सभी लोगों तक ये पहुंचे, ये आप लोगों ने सोच के सभी का पीवी भी बढ़ा दिया है, उसके लिए मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर, ताकि सब और ज्यादा अच्छे से हमारी कॉस्मेटिक की तरफ ध्यान दे। तो मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज के दिन आप सभी ने ये बहुत अच्छे से सुना टाइम निकाल के। अगर सर आप किसी का अगर सवाल है कुछ तो पूछ सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने आज लोगों को नॉलेज दिया और एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जो धन्वंतरी ने लॉन्च कर रखे हैं। मैं सभी को श्योरिटी देता हूं, इस बात की गारंटी देता हूं, आज के इस वारंटी के युग में मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, इस तरीके के ऐसे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट इतने कम रेटों पे आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते, ये श्योरिटी है, गारंटी है। और उसके साथ साथ आपको कंपनी ने बेहतरीन इनकम दी है, जो इनकम इस समय डबल और ट्रिपल कर दी है इन बेहतरीन प्रोडक्ट्स पे आपको। तो इस पे अगर आप वर्क करते हैं तो बहुत अपनी लाइफ को भी चेंज करेंगे और अपनी पर्सनालिटी को भी चेंज करेंगे, ये बिल्कुल 100% मतलब फैक्ट है, इसे आप 100% मान लें और जान लें। तो हर घर की जरूरत है। एक ही बात लास्ट में आपको लोगों को, सभी लोगों को कहना चाहूंगा सुनने वाले को, कि मात्र अगर 500 रुपीज पर मंथ के ये प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, मात्र पर मंथ के ये जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, तो अगले साल
ठीक 12 महीने बाद मैं आपको सबको गारंटी देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ, विथ स्टाम्प पेपर रिटर्न में कहता हूँ कि आप सब लोगों की लाइफ में ड्रामेस्टिक चेंज होगा और आप सब लोग एक हैंडसम इनकम पे होंगे। वो इनकम जो आप डिसाइड करेंगे वो इनकम हो सकती है, पर पहले खुद यूज करने हैं फिर आपको इसको रिकमेंड करना है। तो पहले यूज इट, जो सर का फार्मूला है डॉक्टर पाटिल सर का, जो उन्होंने कहा है यूज इट फील इट देन शेयर इट। ऐसा ना हो कि आप यूज ना करें, सिर्फ आप अपने को इनकम अर्न करने के लिए दोनों को शेयर करें। तो सबसे मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है सभी लोगों को, यूज इट, खुद पर्सनल 100% यूज करने हैं प्रोडक्ट, ताकि आपको इनको फील कर सकें कि इनके अंदर वो क्वालिटी जो बताई जा रही है मैडम की अच्छी ट्रेनिंग के थ्रू, या वैसे आपको अपलाइन जो रिकमेंड कर रहे हैं वो क्वालिटी है कि नहीं है, तो उससे फील करना है। देन अगर आप सेटिस्फाई हैं तब शेयर इट करना है, लोगों को इसकी क्वालिटी को शेयर करना है कि हाँ भी ये इतने वाकई में बेहतरीन प्रोडक्ट जो हमारी पर्सनैलिटी को निखार रहे हैं, उसके साथ साथ हमारी घर की इनकम को निखार रहे हैं। तो ये श्योर होने वाला है। कुछ लोग क्वेश्चन आंसर एक दो मैडम में मैं चाहूंगा, एक आध को मैं करता हूँ कि जो बिल्कुल, बिल्कुल, वैशाली मैडम, वैशाली मैडम अगर पूछना चाहें, वैशाली जी आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हेलो 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 हेलो, वैशाली मैडम शायद है नहीं। गुड़िया मैडम, गुड़िया मौर्य मैडम कुछ पूछना चाह रही हैं? गुड़िया मौर्य मैडम सुन पा रही हैं मुझे? यस सर। हाँ जी, हाँ जी मैम, आपका सवाल? मैम मेरा सवाल ये है कि क्या नाम है, जैसे नीचे काले धब्बे आ जाते हैं तो उसको हटाने में मतलब क्या किया जाए? जी मैंने अभी मैम